और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों में सेंधमारियों का दौर शुरू हो गया है। मामला आपको बता दें लखनऊ का, जहां कांग्रेस से सेंधमारी करते हुए बसपा के दो नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया। बसपा के पूर्व सांसद कौशल जहां ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, वहीं उनके पति पूर्व विधायक ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के सामने दोनों नेताओं ने दामन थाम लिया। इस मौके पर कांग्रेस ने कहा कि सीतापुर में केसर जहां के आने से कांग्रेस मजबूत होगी। वहीं बीएसपी नेता ने भी बीजेपी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और कहा कि बीजेपी के राज में लोगों का सुख चैन खत्म हो गया है। राहुल गांधी जी की नीतियों से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी में आज कुछ ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया है जो दूसरी पार्टियों के अंदर बहुत मजबूती से जिन्होंने बरसों की राजनीति की है। सीतापुर से एक्स एमपी कैसर जहां साहिबा और चार वक्त के चेयरमैन जासमीर अंसारी साहब, दो वक्त के एमएलए हैं, चार वक्त के चेयरमैन हैं, आज इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शिरकत की है, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलने के बाद में इन्होंने ये तय किया कि अब सारी जीवन ये कांग्रेस पार्टी के लिए अपने हर तरह से राजनीतिक और सामाजिक जीवन को कांग्रेस पार्टी के साथ में जोड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छी नीतियां लगी कांग्रेस की, राहुल जी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। देश को इस बात की जरूरत है आज, राहुल गांधी जी की जरूरत है आज देश को।